नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कभी कभी इंसान हार जाता है, थक जाता है, दूसरों की परवाह करते करते, दूसरों की कद्र करते करते और दूसरों पर प्यार लुटाते हुए ऐसा लगता है कि किसी को हमारी कद्र ही नहीं है, किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। हम चाहे जितना भी कर ले सबके लिए, पर हमारी कोई कद्र नहीं करता। एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए सब कुछ करता था, सबकी कदर करता था, सबकी परवाह करता था, पर कोई उसकी कदर नहीं करता था। वह मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा। वह सोचता था कि चाहे मैं किसी के लिए कितना भी कर लेता हूँ, पर लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। एक दिन वह दुखी होकर एक महात्मा के पास गया। उसने महात्मा को बताया कि मैं अपने परिवार को अपनी जान लुटा देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, पर वो लोग मेरी कदर ही नहीं करते, मैं क्या करूँ। तो महात्मा ने उससे कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले तू एक काम कर। महात्मा ने उससे एक अंगूठी दी और उससे कहा कि बाजार जाओ और अलग अलग तरीके के लोगों से इसका मूल्य पता करके आओ। सोनार के पास भी जाना, जौहरी के पास भी जाना, सबसे पता करना। वह सोचने लगा कि मैं महात्मा को अपनी समस्या बता रहा हूँ और इन्हें अपनी अंगूठी की परी है। और उसने सोचा ठीक है, अब महात्मा कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेता हूँ। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। उस व्यक्ति ने सब्जी वाले से कहा, क्या ये तुम अंगूठी खरीदोगे, मुझे इसका क्या मूल्य दोगे। सब्जी वाले ने कहा कि मैं क्या करूँगा अंगूठी का, पर दिखने में अच्छी लग रही है तो ठीक है, इसके बदले मैं तुमको कुछ सब्जी दे सकता हूँ, बाकी और कुछ इसका मूल्य नहीं दे सकता। और उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बेचनी नहीं है, फिर इसका मूल्य पता करना है। और फिर एक छोटे व्यापारी के पास पहुंचा। उसी ने बाद उसने भी यही प्रश्न किया कि इस अंगूठी का क्या मूल्य दोगे। और उस व्यापारी ने कहा कि मैं इस अंगूठी के आपको 1000 रुपये दे सकता हूँ। फिर वह व्यक्ति वो अंगूठी लेकर एक बड़े व्यापारी के पास गया। उस व्यक्ति ने कहा कि अंगूठी तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसके आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। फिर इस व्यक्ति ने कहा, मुझे बेचनी नहीं है, फिर इसका मूल्य पता करना है। फिर वो उस अंगूठी को लेकर के सोनार की दुकान पर गया। सोनार ने उस अंगूठी को देखकर कहा कि इस अंगूठी की मैं आपको 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। वह मनी मन हैरान होने लगा कि अंगूठी का इतना मूल्य। फिर वह व्यक्ति उस अंगूठी को लेकर के एक जौहरी के पास गया और उससे इस अंगूठी का मूल्य पूछने लगा। जब जौहरी ने उस अंगूठी को देखा तो उसने कहा, भाई तो ऐसे मैं बहुत धनवान हूँ, पर मेरे पास भी इतना पैसा नहीं कि चाहे मैं अपनी सारी जायदाद तेरे को दे दूँ तो भी इस अंगूठी का मूल्य मैं नहीं चुका सकता, यह बेशकीमती अंगूठी। यह सुनकर बहुत हैरान हो गया वो। और फिर वह व्यक्ति लेकर वह महात्मा जी के पास आया और उससे पूछने लगा कि मैं तो एक पहले ही परेशान हूँ और आपने मुझे उस अंगूठी को पहली में उलझा दिया, सब लोग इसका अलग अलग मूल्य क्यों बता रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, तू अभी भी नहीं समझा। वह व्यक्ति, क्या समझूं। तो महात्मा ने कहा कि ये अंगूठी बेशकीमती है, पर सब्जी वाले ने इसका क्या मूल्य बताया, थोड़ी सी सब्जी के बराबर। व्यापारी ने इसका क्या मूल्य बताया, 1,000 रुपये। हर किसी ने अपनी अपनी नजर से इसका मूल्य बताया, हालांकि इसका मूल्य कोई लगा नहीं सकता क्योंकि यह बेशकीमती है, पर उन्होंने अपनी दृष्टि के अनुसार इसका मूल्य लगाया। तो यदि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर जो उनके लिए करते हो उनसे वो नहीं समझते, नहीं अंडरस्टैंड करते, तो आप चिंता ना करो, वो उतना ही आपको समझ सकते हैं जितना उनकी बुद्धि है। वो उतना ही आपको देख सकते हैं जितनी उनकी नज़र देख सकती है। आपकी कीमत क्या है वह सिर्फ आप जानते हो। तो आपको भी अगर लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते तो अभी चिंता मत करना, क्योंकि बेशकीमती चीजों की हर कोई इंसान कदर नहीं कर सकता। उसको तो परखने के लिए कोई जौहरी चाहिए। जिस दिन ऐसा इंसान आपके जिंदगी में आएगा जो आपकी आत्मा को समझेगा, जो आपके दिल को समझेगा, जो आपके प्यार को समझेगा, वही इंसान वास्तव में आपके मूल्य को समझेगा और वही इंसान आपकी कद्र करेगा। तो यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।